एक गाना बनाया था एनरी के ने वाह फिर एक गाना बना बादशाह भाई ने जिसका नाम है बायलामोस भाई बादशाह भाई ने बायलामोस बनाया क्यों बनाया क्यों बायमोस ऐसा था ये एनरी के वाला था बायमोस वर्ल्ड वाइड मतलब विश्व प्रख्यात पाने वाला ऐसा गाना वाह इतना इतना बढ़िया गाना हर किसी को बोल समझ में नहीं आता था लेकिन सबकी जबान पे होता था आ, सब थी ना, ना 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 ना। <laughs> ऐसे ही गाते थे लेकिन सबको पसंद था क्योंकि बढ़िया गाना बिल्कुल और फिर आता है ये वाला बायला मोस ये कैसा है भाई साहब शुरू करते हैं वन टू थ्री बायला मो वन टू bayilamoo. जोम्बी अटैक हो जाएगा ऐसा इतना घटिया मतलब चुन के अगर कोई घटिया गाना बना सकता है किसी ने किसी से खुंदक निकालनी हो किसी से बदला लेना हो तो आप किसी को यह गाना भेजो कि सुनो और ऐसी मतलब मतलब पीठ में चीटियां चलने लग जाती है ना वैसा हो गया में चीटियां अरे पेट के अंदर मरोड़े पड़ जाते हैं ऐसा लगता है कि भाई ये क्या सुन लिया है क्यों बनाया कान के अंदर ऐसा लगता है किसी ने भाई वो मरकरी होता है ना मरकरी मरकरी वो जो थर्मल मीटर तोड़ते हाँ। अंदर मरकरी निकल सिल्वर, सिल्वर वो किसी ने कान में डाल दिया है भाई साहब ये क्या गंदा गाना बनाया है हाय भगवान सोच अभी ये गाना हम जनरली देखो जो भी वीडियो बनाते हैं हाँ। चाहे वो अच्छी तारीफ कर रहे हो चाहे बुराई कर रहे हो ठीक है अब तो हम तारीफ भी करने लग गए हाँ। पुराने वाले जानते थे हम तारीफ करते ही नहीं थे ना 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 हमें आती नहीं थी है ना? अब हम कर लेते हैं हाँ। जीवन में बढ़ना भी चाहिए हाँ। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो हम तारीफ करते हैं बुराई करते हैं हम ऐसे कर रहे होते हैं कि कोई गाना लेटेस्ट आया कोई ट्रेलर लेटेस्ट आया कोई पिक्चर बढ़िया नहीं आई है ये गाना आए हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं हमें पता ही नहीं है क्यों नहीं पता भाई इत्ता गंदा गाना है कि वो पहुंचा बादशाह बादशा बाद बादशा नहीं आप पहला जो सीन ही देखते हो एक तो ऐसा बना रखा है गाने के विजुअल भी पता नहीं क्यों शूट किया है नहीं करते है। इसको सिर्फ ऑडियो निकाल के देखते अगर चलता उसके बाद आपको ऑलरेडी फीडबैक मिल जाता ऑडियंस से पर नहीं कहा कि नहीं हम इसकी वीडियो में बनाएंगे बताए। और वो और... उसके अंदर जो सिंगर हैं खुद हाँ। पायल देव जी जो बादशाह भाई के साथ कई गाने गाने कर चुके हैं हैं पहले भी मतलब बड़े अच्छे अच्छे हिट आए उनके लेकिन यहाँ पे कोलैबोरेशन जो है ना वो जो दोस्ती यारी में बादशाह भाई ने गाना लिख दिया होगा हाँ। ये उल्टी पड़ गई है बिल्कुल क्योंकि वो जो वहाँ पे पायल देव खुद दुर्योधन बन के आई है और जो वो वहाँ पे कह रही है मतलब उनके म्यूट पे आप वीडियो देखो ऐसा लगेगा मामा शरीफ वो बारा <laughs> मामा श्री चौसर की गोटिया कहाँ है आ, वो अभी बिल्कुल से <laughs> <laughs> तो यही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी लग रही है और पूरे टाइम एक ही आउटफिट में है वो वही लोग आके टेढ़ा मेढ़ा वो जॉम्बी की तरह नाच रहे हैं और यही जॉम्बी है और बादशाह ने आप सही कह रहे हो कि मतलब ये आदित्य देव जो है गाना लिखवाना है तुझसे ना तो बादशाह ने भी कहा होगा जैसे कभी कभी ना हमारे साथ ऐसे होता है कि हम जो ये वीडियो हम बनाते हैं वो हम खुद ही अपलोड कर रहे होते हैं तो, तो कई बार ऐसा होता है किसी इंसान को जाना है

हो गया पॉइंट ये है कि खाली ये बादशाह भाई ने बेमनी से लिखा हुआ है हाँ। क्योंकि लिरिक्स कुछ ऐसे हैं <laughs> तर से दिल के मिल मुझको क्यों तड़पाता है खुल के बोल मुंह तो खोल कह दे जो कहना चाहता है वाह चाल तेरी करे ऐसी तैसी और आंखों में मस्तियां ऐसी तैसी ऐसी तैसी ऐसी उन्होंने लिख भी दिया ऐसी तैसी ऐसी तैसी, 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 में जाए लिख ही नहीं मेरे को क्यों कर रहा हूं मैं ये चाल तेरी ऐसी तैसी करे और आंखों में मस्तियां आज जब मिलके हम आग लगा दे आग <laughs> तो बंदे को आग ही लगानी थी आग, आग लगे इस गाने में यार भाड़ में जाए मेरे को कोई मतलब ही नहीं अच्छा ऐसा गाना लिख दो जो आग लगा दे आग ले आग ले, ले, लगा दे मस्तियां बस्तियां राइमिंग भी कर दी मस्तियां आज जब मिलके हम आग लगा दे जला दे यहाँ बस्तियां अरे नहीं भाई और सोच जलादे दे बस्तियां हाँ।, हाँ। और उसके बाद गाना अगला शब्द आ रहा है बाइला मोस <laughs> उसके लिए आने दे तूफान तू बाइला मोस आने दे तू क्या सेंस क्या मुझको देख के ऐसे हुआ क्यों है हैरान तू हाँ। क्योंकि तू दुर्योधन लग रही है बहन <laughs> मैं सिस्टर सीरियसली कह रहा हूँ मैं, बेइज्जती के तरीके से नहीं ना, 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 आपने वो जो फैंसी ड्रेस पहनी है अब आप कहोगे कि नहीं हमने तो वो ग्रीक और वो रोमन और वो लैटिन और जो भी आपने अपने लगाने होंगे कि भाई हाँ। हमने तो वहां से इंस्पिरेशन लिया आपने गाने ली के लगा दिए क्या लगा दी गाने के क्या कर जो जो आप कह रहे थे वो ग्रीक लगाने हैं हमने हाँ, हाँ, हाँ। आपने गाने के लगा दिए हाँ सही बात लटक गया है।, है गाना लुट गया है <laughs> लुट गया है बिल्कुल ही लैटिन लैटिन बना दिया गाने को परेशान हो गए हैं सारे लोग लैटिन भाषा की बात कह रहा हूँ मैं अच्छा, तू कहाँ पहुंच गया अच्छा लैटिन लैटिन जो होती है जो जिसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है अच्छा मुझे लगा अच्छा आ, आप आप कहा चले गए आप गुजल खाने मुझे चले लगा हाँ, मुझे लगा आप आपका वो आपके जुकाम है आपको तो आपका रन ही निकल रहा अच्छा वैसे आ रहे आपने कहा लैटिन लैटर मेरा तो रन ही निकल रहा है इनका तो पूरा ग नहीं निकल रहा है

ना बेमन से लिरिक्स लिखे हुए हैं बेमन से गाना ऐसे ही बस कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठा के आपने जो म्यूजिक लेके गाना बना दिया बायलामोज मतलब ये जो शब्द है हाँ। मेरे ख्याल आ, किसी और भाषा का स्पेनिश स्पेनिश कुछ होगा है ना एनरीके का तो मैं अज्यूम कर रहा हूं स्पेनिश ही होगा लेकिन इसका मतलब जो निकलता है वो होता है वी डांस

ने गाना सुना है और इंडिया में भी कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जिन्होंने बाई चांस बादशाह के नाम से गाना खोल लिया है और वो भी रो रहे हैं इस टाइम पे की ये गाना क्यों बनाया गया है अच्छा मैं एक बार को ना ये कह दू की चल बाकी ना क्योंकि लिरिक्स जैसे भी लिखे हैं थोड़े से अब बेमनी से लिखे हैं बादशाह भाई के लेवल के हिसाब से देखूं तो आसपास भी नहीं है उनकी कलम के आसपास भी नहीं है मैं कह रहा हूँ बढ़िया बढ़िया गाने लिखे उन्होंने हाँ। उन्होंने उन्होंने क्या वो बंदूक बंदूक लिखा भाई तुरिया तुरिया वो वो तो खैर फोक लाइन हो गई उसके बाद ये जो कहानी है बड़े अच्छे अच्छे उसके अंदर मतलब यार एग्जाम्पल्स दिए अच्छी राइटिंग करी उसके अलावा भी जब आप थोड़ा स्ट्रीट

आ, वो कौन सा गाना था मेनू तुजाम मेरे मेरे वो पूरा रैप आप सुन लो कितना प्यारा लिखा हुआ है वो सब जेनविन लिखते हैं यार बादशाह उनके लेवल के हिसाब से एक तो ये लिरिक्स है नहीं

इन्होंने गाया भी ए, बड़ा अच्छा हुआ वैसे सुन हाँ। भी गाया हुआ है और मतलब ऐसे अंदर बीच में हरकतें ऐसे ना ना ना। मुरखिया उर्खिया एकदम भर भर के तो एकदम वो मराठी फोक सिंगिंग होती है उसका टच भी लाया इन्होंने बीच में लेकिन आप क्यों कर रहे हो देव जी <laughs> लेकिन ये इधर ये सारी खिचड़ी ना फिट बैठी नहीं है नहीं बैठ पा रही है अगर आपने गाना नहीं सुना है हमारे कहने पे बिल्कुल मत जाना नहीं जाना आप बायला सुन अगर आप लिखोगे भी यूट्यूब पे तो पहले आएगा एनरीके वाला वही सुनना और वहीं से बंद कर देना आप नीचे जाना ही नहीं आपको स्क्रॉल डाउन करना ही नहीं और अगर फिर भी आपने सुन लिया है तो आप कॉमेंट करके बताओ आपको कितना गंदा लगा ये गाना बायला एक मिनट ले खून आ रहा है खून आ रहा खून आ गया थोड़ा सा तो हाँ तो आप आप कमेंट कर दो और आप भी अपने कानों से खून साफ कर लेना और हार्पिक थोड़ा सा डाल लेना ताकि वो और साफ हो जाए तो ठीक है हम चलते हैं और थोड़े अच्छे गाने सुनने के लिए क्योंकि हमारा मूड तो बहुत खराब हो रहा है डिटॉक्स करने हम जा रहे हैं मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच